दोस्तों, आपने पोस्टमार्टम के बारे में सुना ही होगा। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम के बारे में कई सारे सवाल होते हैं जो आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, पोस्टमार्टम कौन करता है, अगर रात में पोस्टमार्टम किया जाए तो क्या होगा, ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले यह जानना होगा पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पोस्ट का मतलब आफ्टर होता है और मार्टम का मतलब डेथ, यानी कि पोस्टमार्टम व्यक्ति के मरने के पश्चात ही किया जाता है, एक तरह की सर्जरी होती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं सबसे मेन और रहस्य पॉइंट की, आखिर पोस्टमार्टम करता कौन है। पोस्टमार्टम कोई सामान्य डॉक्टर भी नहीं करते, बल्कि इस काम को पैथोलॉजिस्ट करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो विकृति विज्ञानी के नाम पर जाना जाता है और यह एक साधारण डॉक्टर ही होता है। बॉडी को सिर फाड़ करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है और कार्य करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाने में काफी मदद करते हैं। पोस्टमार्टम को रात में क्यों नहीं किया जाता, आखिर कारण क्या है? क्या रात में पोस्टमार्टम करने से डर लगता है? क्या रात में आत्मा घूमती है? ऐसे सवाल होते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। रात में पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि रात के समय में लाइट की रोशनी से ब्लड का रंग बैंगनी दिखाई देता है और बॉडी पर लगे छोटे छोटे घाव को देखना मुश्किल होता है और मौत की असली वजह जानना कठिन हो जाता है, इसलिए दिन के समय में ही पोस्टमार्टम किया जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम को अपनी मर्जी से नहीं किया जाता है, इसमें घर वालों की सलाह के बाद ही किया जाता है। अगर मरने वाला व्यक्ति अनजान है, बॉडी कहीं पर किसी को मिली है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस की सलाह लेने के बाद पोस्टमार्टम किया जा सकता है। पोस्टमार्टम को तभी किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति की मौत के पीछे का कारण क्या है और मौत किस वजह से हुई है। इस स्थिति में पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि मौत का असली पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम को 8 या 10 घंटे से पहले ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय पोस्टमार्टम ना किया जाए तो बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी का अकड़ जाना और बॉडी में कई सारे असर होना। 10 घंटे के बाद गलना शुरू हो जाती है बॉडी। इससे पहले ही 6 घंटे या 10 घंटे से पहले ही पोस्टमार्टम का कार्य शुरू किया जाता है। पोस्टमार्टम में सब पता लगाया जाता है, मरने से पहले क्या खाया था और मौत से पहले कहां पर था और किस स्थिति में था। पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट को तैयार करके इसकी मौत का असली पता आसानी से लगाया जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम की यही प्रक्रिया होती है, इसमें मौत का पता आसानी से लगाया जाता है। आखिरकार मौत किस कारण से हुई है, जहर खाने से हुई है या दम घुटने से या फिर कोई मर्डर हुआ है या फिर सुसाइड किया, इसका पता पोस्टमार्टम करने के बाद ही लगाया जाता है। आपने सुना होगा कभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में समय लगता है, ऐसे में डॉक्टर हर एक चिराग की जांच करते हैं, ऐसे में कभी समय लगता है, फिर भी इस काम को करने में कायम हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसे नॉलेज भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले।